फिर उनसे कहा, मैंने कहा बड़ी जरा आप मंगवा लो गाड़ी, 80,000-50,000 रुपया मिला है चर्च में, तो फिर गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा आपको। बस इतना दिमाग में जरूर था कि आप क्रिश्चियन होने के कारण टारगेट किए जा रहे हो। लेकिन एक बात मैं उनसे कहता रहा कि भाई साहब आप गलत जगह पे आ गए, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आप गलत जगह पे आ गए। तो मेरे इन लॉ में चले गए, बोलते जी सोना है, कहते हाँ जी है जी, और कैश भी है, कहते हाँ जी कैश। उन्होंने सोचा पता नहीं कितना सोना है, उन्होंने कानों की बालियां निकाल के रख दी, कहते ये सोना है, ये 13,000 रुपया कैश है, कहते जी बस, कहते हाँ जी यही है जी, तुम ही चेक कर लो बाकी कार अपना। 4 घंटे में सब तरफ से न्यूज आ चुकी थी कि किसी के घर में, किसी रिश्तेदार के घर में, किसी कॉलेज में, किसी बाइबल कॉलेज, किसी ब्रांच में, यहाँ मेरे घर, मेरे मम्मी पापा के घर, कुछ नहीं। तो मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरी चर्च के सराउंडिंग में, मेरे एक भी वेन्यू में कोई कच्चा कागज, कोई फॉरेन ट्रांसफर, कोई पैसा, कोई फालतू सोना, कुछ नहीं, फिनिश एवरीथिंग, कुछ नहीं मिला उनको, क्योंकि था नहीं। रीजन क्या, 1100 रुपये निकले हैं। मेरे साली के घर पे गए रेड मारने, वहाँ 500 रुपया निकला है। मेरे ससुराल में गए, वहाँ 13,000 रुपया निकला है। तो जहाँ भी वो गए हैं बस बेचारे वापिस ऐसे ही आए हैं खाली हाथ। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में जाके रेट डाल दें। क्रिश्चियन रेट डाल रहे हैं क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं। कोविड में काम किया, सरकारों के साथ काम किया, आपके लोगों को बचाया, आपके लोगों के लिए प्रेयर की। हर चीज मेरी प्रॉपर्टी पर्सनल में है। जितना सोना मैंने इनकम टैक्स को लिख के दिया हुआ कि मेरे घर में है, उससे आधा सोना मेरे घर में निकला है। कहते बाकी कहां गया, मैं कहा जी आप पूरा कर दो बाकी। सत श्री अकाल, मैं रंधिमान, तुसी देख रहे हो डेली न्यूज पंजाबी। गल करांगे अंकुल नरोला मिनिस्ट्री नूं लै के, जिसके कि 11 ठिकाने दे उत्ते इनकम टैक्स विभाग दे वल्लों वख-वख थावां ते छापेमारी कीती गई सी। छापेमारी दौरान की कुछ मिलिया, इस बारे जानकारी दिंदे होए नरोला दा कहना है कि उन्हां दे वल्लों जो छापेमारी कीती गई सी, इस दौरान कुछ भी प्राप्त नहीं होया, क्योंकि मामला पैसों के लेन देन का दसया जा रहा सी। पर अंकुल नरोला दा कहना है कि पैसों के लेन देन का कोई भी मामला सामने नहीं आया। उन्हें कहा कि जानबूझ के केंद्र ते पंजाब सरकार दे वल्लों उन्हां नूं तंग परेशान किया जा रहा। उन्हां दा कहना है कि सानू पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्हें कहना कि जेकर सानू पैसों की जरूरत होवे तां असीं अमेरिका दे विच भी अपना काम कार चला सकते हैं, सानू उत्थे भी जिहड़ी संगत है करोड़ां रुपए देण नूं तैयार है। उन्हें कहा कि पैसों के नाल साडा कोई भी मोह नहीं है, असीं लोगों की सेवा करन आए। उन्हां दा कहना है कि कोविड दौरान असीं लोगों की बेहद सेवा की है ते अगे भी करदे रहांगे। इस नाल ही उन्होंने पंजाब सरकार अते केंद्र सरकार दे उत्ते बोलते हुए कहा कि वह मंदिर अते गुरुद्वारा साहिब दे विच अजिही रेड क्यों नहीं करते, वह सिर्फ ईसाई भाईचारे दे उत्ते ही अजिहियां रेडां क्यों कर रहे ने, इस नूं लै के सवाल भी खड़े किए ने, अते पंजाब सरकार अते केंद्र सरकार दे जम के वरते भी नजर आए। उन्हां दा कहना है कि जिन्नियां मर्जी रेडां कीतियां जाण, उन्हां दे कोल अजिही कोई भी चीज बरामद नहीं हुई है। राजविंदर सिंह मिठा दी रिपोर्ट, डेली न्यूज़ पंजाब। प्रॉपर्टी इकट्ठी करना, पैसा इकट्ठा करना, सोना इकट्ठा करना, जिसको ढूंढने के लिए वो रिश्तेदार हमारे आए थे लेकिन मिला नहीं, हाँ, जिसके कारण उसने कहा मैं सब वस्तुओं की हानि उठाता हूं और इसे कूड़ा समझता हूं। जब इनकम टैक्स वाले आए तो उन्होंने सोचा कि करोड़ों रुपए की, खरबों रुपए की इनकी जायदाद है, इनके घरों में जब हम जाएंगे तो इस दीवार से सोना निकलेगा, इस तिजोरी से 500-500 की गड्डियां निकलेंगी। तो एक जगह नहीं, काफी जगह वो गए, कपूरथला ब्रांच में गए जहां से उनको पूछा उन्होंने एक हालचाल बंदे का, वहां 70 रुपए थे। बाइबल कॉलेज में गए, वहाँ 90 रुपए थे। सोफिया इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ 1100 रुपए निकले हैं। मेरे साली के घर पे गए रेड मारने, वहाँ 500 रुपया निकला है। मेरे ससुराल में गए, वहाँ 13,000 रुपया निकला है। तो जहाँ भी वो गए हैं बस बेचारे वापिस ऐसे ही आए हैं खाली हाथ। तो मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरी चर्च में, मेरी चर्च के सराउंडिंग में, मेरे एक भी वेन्यू में
कोई कच्चा कागज, कोई फॉरेन ट्रांसफर, कोई पैसा, कोई फालतू सोना, कुछ नहीं, फिनिश एवरीथिंग, कुछ नहीं मिला उनको, क्योंकि था नहीं। रीजन क्या था नहीं, अब मैं रीजन बताना चाहता हूं, कारण क्या था। मैंने आपको, मैं 15 साल से बोल रहा हूं कि चर्च का पैसा चर्च को जाता है, मेरे पास नहीं आता। हम कच्चे में कोई चीज नहीं लेते। आप मेरे को चर्च में आके बोलोगे, कहते चर्च के बिल कहां हैं। जिस दिन चर्च की नींव पत्थर डला, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चर्च में किसी भी जगह जाके उंगली कर दो, मुझे इसका बिल चाहिए, मैं आपको बिल दूंगा। ये वो चर्च है, ये बाबाओं वाला चर्च नहीं है जहां पर बाबा जी ने अंदर 200 करोड़ दबाया होगा और आप उठा लोगे 200 करोड़। यहां 20 रुपए भी नहीं निकलेंगे, तो उन्होंने देख लिया। उनका कसूर नहीं था, इनकम टैक्स वालों का कोई कसूर नहीं था, वो अपना काम कर रहे हैं, वो सरकारी इंप्लॉई हैं, ऊपर से ऑर्डर आया, वो आ गए, उन्होंने देखा, चाय वाय पी, इंजॉय किया, बातें शातें की। जैसे लोग मुझको बताते थे कि वो आएंगे जी, ऐसा होता है जी, वो क्वेश्चन करते हैं जी, मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया, मेरे से कोई बदतमीजी नहीं की, कोई फालतू बात नहीं की। आए बैठे, मैंने बोल, मैंने खुद कहा, मैं कहा सर जल्दी जरा घर सर्च करो, मैं फ्री हो जाऊं। तो खुद मैं घर पे लेके गया, एक एक कोना बेड सर्च आधा किया। मैंने कहा आधा नहीं करो, आप पूरा सर्च करो, कपड़े निकाल लो, पूरा सर्च करो, इंजॉय करो पूरी सर्च को, मजे लो, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं निकलेगा। तो उनको मालूम था कि यहाँ कुछ नहीं है। तो 2-3 4 घंटे में सब तरफ से न्यूज आ चुकी थी कि किसी के घर में, किसी रिश्तेदार के घर में, किसी कॉलेज में, किसी बाइबल कॉलेज, किसी ब्रांच में, यहाँ मेरे घर, मेरे मम्मी पापा के घर, कुछ नहीं निकला। तो जस्ट उसके बाद फिर जस्ट फॉर्मेलिटी थी, पेपर चेक किए, वो चेक किया, रजिस्ट्री चेक की, वो है ही सब पक्के में था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमें कोई उनसे गुस्सा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कॉपरेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई बात नहीं की फालतू, जस्ट वो अपना काम कर रहे थे, हम भी अपना काम कर रहे थे। उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है। मैंने उनको गुस्सा नहीं किया, मैंने उनसे बात नहीं की, क्योंकि वो एक सरकारी इम्प्लॉई है जो सरकार के कहने पे आपके पास आया है और उसने चेकिंग करनी है। आप अगर राइट हो तो आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बात मैं उनसे कहता रहा कि भाई साहब आप गलत जगह पे आ गए हो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आप गलत जगह पे आ गए हो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तो आपने देख ही लिया। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा बड़ी ज़रा आप मंगवा लो गाड़ी, 80,000-50,000 रुपया मिला है चर्च में, तो फिर गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा आपको। तो फिर ऐसे मजाक मजूक हम करते रहे, आपस में कुछ नहीं था। उनका भी रीज़न ये है कि वो जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा कुछ चल रहा है आपके पास, तो आप कच्चा पैसा कहाँ है, फॉरेन से क्या आ रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं ऐसा था। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती चेक करना, हमारी जिम्मेवारी थी चेक करवाना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कुछ गालियां निकालने की ज़रूरत नहीं है किसी को, वो हमारे सब भाई हैं। लेकिन शैतान शर्मिंदा हुआ है, जो लोग सोचते थे कि इनके रेट डलवा लेंगे तो पता नहीं इनके क्या निकलेगा, क्या पड़ेगा। हमारे घर में बैग्स निकले इतने भरे भरे, मैंने कहा लो जी बैग निकल गए, तो मोजा लग गई हैं। बैग खोलिया अनॉइंटेड रुमाल, अगला बैग खोलिया तेल, अगला बैग खोलिया अनॉइंटेड ऑयल। मैंने कहा इतना तेल आपको राशन की दुकान पे नहीं मिलेगा जितना हमारी चर्च में मिलेगा फ्री बांटने के लिए, तो डोंट वरी आप चेक करो। तो चेक सब कुछ हुआ, हर कोना चेक हुआ जहां मैं बैठा हूं, प्रेयर माउंटेन एवरीथिंग। तो ये स्टोरी थी 2 दिन की। तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई, हमें कोई कंप्लेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना दिमाग में जरूर था कि आप क्रिश्चियन होने के कारण टारगेट किए जा रहे हो। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में जाके रेट डाल दें। क्रिश्चियन रेट डाल रहे हैं क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, कोविड में काम किया, सरकारों के साथ काम किया, आपके लोगों को बचाया, आपके लोगों के लिए प्रेयर की। हर चीज मेरी प्रॉपर्टी पर्सनल में है, जितना सोना मैंने इनकम टैक्स को लिख के दिया हुआ कि मेरे घर में है, उससे आधा सोना मेरे घर में निकला है। कहते बाकी कहां गया, मैं कहा जी आप पूरा कर दो बाकी आधा निकला घर में जितना लिख के दिया हुआ कि इतना हमारे घर में है, जितना मेरी बैलेंस शीट में है, कितना मेरे घर में सोना है जी, इतने औंस, इतने ग्राम, जितने भी है, उससे आधा निकला। कहते आधा कैसे, मैं कहा चर्च में गए, दिल किया चैनी बोदी, दिल किया मुंदरी बोदी, तो हमारा क्या है, हम तो कूड़ा समझते हैं इसको। अगर मुझे पैसा कमाना है, अमेरिका मेरे लिए खुला है,
मेरे लिए कनाडा खुला हुआ है, वहाँ फैमिलीज हैं मेरे पास जो बोलती सर आप यहाँ पे आएंगे तो मैं हम मिलियन डॉलर्स की आपकी हेल्प करेंगे। 8 करोड़ होता है 1 मिलियन डॉलर, पैसा कमाना हो तो वहाँ पे बहुत है। यहाँ मैं इसलिए हूँ क्योंकि अपने लोगों से प्यार करता हूँ, यहाँ मैं चैरिटी करता हूँ, काम करता हूँ, और ये इन्होंने भी अब देख लिया। हालेलुया, पैसा कमाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उनको ये मालूम हो गया कि इनके चीज़ें जो हैं कि ऑफरिंग कितना आया संडे, जितनी ऑफरिंग आई उन्होंने बैंक जाके चेक की, उससे कंप्लीट मैच किया, पूरी ऑफरिंग बैंक में थी सोमवार शाम को।